आप सभी को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। खाना बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, लेकिन अगर खाने का मज़ा लेना है, पूरी लज्जत लेनी है, तो उसमें मेहनत तो लगती है ना। लेकिन अगर मेहनत में कुछ काम ऐसा हो जाए कि कोई करके दे दे तो कितना आसान हो जाता है। मतलब नहीं नहीं बना बनाया खाना रेस्टोरेंट वाले दे देते हैं, उसमें वो बात अलग है, लेकिन खुद बना के खाने में उसकी बात ही कुछ और है। लेकिन जो प्रेपरेशन होती है उसमें कोई चीज़ें अगर आपका हाथ बटा दे, कोई कुछ आपके कोई सब्जियां काट दे, कोई कुछ ऐसी चीज़ें कर दे, तो कितना आसान हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ में एक ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करता हूँ, और ये जो रेसिपी है बिरयानी की, वो भी कच्चे मुर्ग की बिरयानी। वो सिंपल सी बात है कि अगर आपको बिरयानी बनानी है तो बढ़िया एकदम लंबे चावल होने चाहिए, बासमती चावल होंगे तो बहुत बढ़िया है। जी हाँ, बासमती जो चावल हैं इसको पानी के अंदर भिगो के रखा करीब आधे से एक घंटे तक, फिर पानी निकाल लिया और इसको मैं पकने के लिए डाल देता हूँ। गर्म हो गया है पानी, बढ़िया बासमती, एज्ड बासमती। अब खुशबू में देखिए कुछ इलायची, मोटी इलायची जो ब्लैक कार्डमम है, उसके साथ साथ दालचीनी, और चाहिए तो तेज पत्ता भी हो जाए चलिए, और उसके साथ साथ लौंग के दाने, क्योंकि बिरयानी बन रही है चावल में नमक भी चाहिए। जब तक चावल पकते हैं ना, आप पूरी तरह से नहीं गलाने, हल्के से उसमें कसर छोड़नी है, बस उबलेंगे आराम से तसल्ली से। ये मेरे पास में चिकन, और ये जो मैरिनेट होगा ये होगा दही के साथ में। दही आ गई, थोड़ा अदरक और लहसुन की पेस्ट ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। और अब बहुत ज़रूरी चीज़, बिरिस्ता, जो तला हुआ प्याज है स्लाइस किया हुआ, वो उसका जो स्वाद आता है, उसकी जो मिठास आती है, उसका जो टेस्ट आता है, तो ऐसे ही अब मिल रहे हैं प्याज स्लाइस किए हुए, फ्राई किए हुए, फ्रेश अनियन से बने हुए, और क्या चाहिए। अब बारी है किंग्स बरिस्ता फ्राइड अनियन डालने की। क्या खुशबू आ रही है इसकी। नॉर्मली क्या होता है कि बिरयानी में टेस्ट तो ये प्याज से आता है बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन वो इतना बना नहीं पाते तो इसलिए थोड़ी कमी हो जाती है, तो इसलिए मैं कंजूसी नहीं करता बिल्कुल। तो इसके अंदर ये फ्राइड अनियन, जब घर में करते हैं ना, खुद करते हैं, तो कई बारी स्लाइसिंग अगर इवन नहीं होगी तो कुछ कच्चे रह जाएंगे और कुछ जो हैं वो जल जाएंगे, तो इसलिए इसकी स्लाइसिंग परफेक्ट होनी चाहिए, फ्राइंग परफेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद में उसकी ड्राइंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो खैर ये जो है इसके अंदर डाल दिया, नमक इसके अंदर भी चाहिए, नमक के साथ साथ थोड़े मसाले और डाल देते हैं। चलिए काम करते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, और उसके साथ साथ गरम मसाला डालें। बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती बिरयानी के अंदर। अब ये जितनी चीज़ें हैं प्याज के साथ में, दही के साथ में मिक्स कर दिया। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। फ्रेशनेस के लिए हरी मिर्च, तो ये हरी मिर्च को मैं काम करता हूँ, ये तीखी वाली हरी मिर्च है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, तो इसको बस ऐसे टुकड़े करके ये इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा पुदीने के पत्ते इसके अंदर, ये ताजगी देंगे, इसमें स्वाद भी देंगे। अब ये जो है सब मसाले चिकन के साथ में, ये जो चिकन है, चिकन बहुत बढ़िया से, इसको टाइम है तो आधे घंटे तक रखें, नहीं तो जब इतनी देर में चावल पकते हैं ना, ये चिकन जो है बस मसाला ले लेगा। अब बारी है किंग्स बरिस्ता फ्राइड अनियन, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे ये बढ़िया क्वालिटी के प्याज लेके, उसको छील के, धो के, स्लाइस करके, और फिर अच्छी क्वालिटी के वेजिटेबल ऑयल में एकदम बढ़िया क्रिस्प फ्राई करके, तब इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी बात यह कि बाज़ार में बने बनाए मिल जाते हैं, और क्या चाहिए। चलिए इस बर्तन में मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो ये चिकन मैरिनेट किया हुआ, वाह, चलिए चिकन हो गया। अब थोड़ा सा लालच आ रहा है, इतना बढ़िया फ्राइड अनियन मेरे पास हैं तो थोड़े और डाल देता हूँ। कितना आसान है ना ऐसे बनी बनाई चीज़ें, पहले क्यों नहीं मिलती थी हमें। चावल का क्या हाल है। तो चावल जो है आप देखेंगे थोड़ी सी कसर है, बस इतना ही चाहिए। इसको बंद कर देता हूँ मैं फटाफट। इसको हमने छान लेना है छन्नी के अंदर। आह वाह वाह वाह, एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया बस, और ये गर्मा गर्म इसके अंदर। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। अब इसमें
एक काम करते हैं, थोड़ा केसर, केसर को पानी के अंदर मैंने, आ हा हा वाह, प्याज तो मज़ा आएगा ही ना। प्याज थोड़ा डालता हूँ, इसके बिना थोड़ी बनेगी बिरयानी। थोड़ा अदरक कटा हुआ, पुदीने के पत्ते, एक बार फिर इसमें थोड़ा केवड़ा छिड़क देते हैं इसके ऊपर, बस जरा सा, और कुछ गुलाब जल छिड़क देते हैं, और उसके साथ में थोड़ा गरम मसाला। चलिए ये तो हो गया, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर घी डालता हूँ, बस ऊपर खुशबू भी आएगी, मॉइस्टनेस भी आएगी। ये प्रोफेशनल कच्चे मुर्ग की बिरयानी तैयार होने की तैयारी में है। ये आटा जो है ये थोड़ा सा तैयार करना है मुझे, तो ये ढक्कन लिया, ये देखिए ये दबा दिया, चलिए ये आटा लग गया इस ढक्कन पे, और ये ढक्कन इस पे एकदम फिट, और ये चलिए इसको बराबर से सब तरफ चेक करके इसको बैठा दिया, और इसे देते हैं दबा। ये जो है दबाना बड़ा ज़रूरी है, बहुत बढ़िया। 5 से 10 मिनट, 10 मिनट लगेंगे राइट, डिपेंडिंग ऑन कि कितना आपके पास में चिकन था, कितनी बड़ी हांडी थी, तो 10 मिनट पे तेज आंच पे इतना हो जाता है। बस उसके बाद में आंच करनी है धीमे, और इसको इसी तरह से धीमी आंच के ऊपर, चाहे तो ऐसे ही एकदम धीमी आंच पे, या फिर नीचे एक कोई ऐसा तवा रख के धीमी आंच पे इसको और आधे घंटे तक बस ऐसे ही पकने दें। उसके बाद आंच बंद कर दें, 10-15 मिनट ऐसे ही रहने दें दम के अंदर। बिरयानी में से खुशबू तो बढ़िया से आ रही है, पूरी तरह से दम लग चुका है, तो इसको अब ज़रा खोल भी लिया जाए, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। चलिए जी देख लेते हैं इसमें ज़रा गर्मा गर्म, वाह क्या बात है, क्या बात है, और क्या चावल दिख रहे हैं, क्या बढ़िया है, सारी चीज़ें जो हैं एकदम, चिकन भी लगता है पूरी तरह से पक चुका है, ओहो हो हो हो, क्रिस्प फ्राइड अनियन, ये लीजिए क्रिस्प फ्राइड अनियन, फ्रेश फील, थोड़ा फ्रेश पुदीने के साथ में। अब क्या किया जाए, चखा जाए, थोड़ी सी गार्निश अपने चम्मच में भी कर लेता हूँ ना, थोड़ा क्रिस्प अनियन आ गए, लाजवाब।